नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम शब्दों के 8 भेद देखेंगे। शब्दों के मुख्य 2 भेद हैं, उसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के भी 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अभी हमने देखा कि शब्दों के कुल 8 भेद हैं, उसमें से पहला भेद है संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, अवस्था, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति के नाम कौन कौन से, राम, लक्ष्मण, लड़का, लड़की। प्राणी के नाम गाय, बिल्ली, सिंह, तोता। वस्तु के नाम पुस्तक, लकड़ी, चाय, कलम। जाति के नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। स्थान के नाम घर, गांव, बाजार, दिल्ली। भाव के नाम सुख, हंसी, क्रोध, वीरता। अवस्था के नाम शैशव, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। समूह के नाम दल, भीड़, सभा, झुंड। इनके अलावा फलों के नाम, फूलों के नाम, अनाजों के नाम, खाद्य पदार्थों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, गुणों के नाम, इन सभी को संज्ञा कहा जाता है। शब्दों का दूसरा भेद है सर्वनाम। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक परिचय दिया है, यहां पर देखिए, मेरा नाम रवि है, रवि सुबह 5 बजे उठता है, रवि के मित्र का नाम विजय है, रवि और विजय साथ घूमने जाते हैं। वाक्य में हम बार बार संज्ञा का उपयोग करते हैं क्या? तो नहीं। और इसीलिए दूसरा परिच्छेद देखो, मेरा नाम रवि है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मेरे मित्र का नाम विजय है, हम साथ घूमने जाते हैं। इस परिच्छेद में रवि इस संज्ञा के बदले मैं का प्रयोग हुआ है, रवि इस संज्ञा के बदले मेरे इस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, रवि और विजय इस संज्ञा के बदले हम इस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। और इसीलिए इस परिच्छेद में मैं, मेरे, हम, यह सर्वनाम है। किसी परिच्छेद में बार बार संज्ञा का उपयोग हुआ तो वह वाक्य, वह परिच्छेद बोरिंग हो जाएगा और यह पुनरावृत्ति दूर करने के लिए हम संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, उसमें मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। यहाँ पर एक बात याद रखिए, सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर रखा जाता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। शब्दों का तीसरा भेद है विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गुलाब का फूल सुंदर है, वहां बहुत भीड़ थी, हम 3 भाई हैं, मुझे
थोड़ा पानी दे दो, कौवा काला होता है। इन वाक्यों में सुंदर, बहुत, तीन, थोड़ा, काला यह विशेषण है। शब्दों का चौथा भेद है क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, मीरा गाती है, दीपक क्रिकेट खेल रहा है, नर्स रोगी को दवा पिलाती है, सुधीर विदेश गया। इस वाक्य में चोर, गाती, क्रिकेट, रोगी, दवा, विदेश यह क्रिया के उदाहरण है। अभी तक हमने शब्दों के यानी विकारी शब्दों के चार भेद देखे हैं। अब हम अविकारी शब्द के चार भेद देखेंगे। शब्दों का पांचवा भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय की दूसरी परिभाषा देखो। जो अव्यय अपनी क्रिया का स्थान, काल, रीति या परिमाण बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आज हम जीत जाएंगे, लड़का दूर खड़ा था, छात्र धीरे धीरे चल रहे हैं, उसने अधिक पढ़ाई की। इन वाक्यों में आज, दूर, धीरे धीरे, अधिक यह अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसीलिए वे क्रिया विशेषण अव्यय है। शब्दों का छठवां भेद है संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ दर्शाते हैं उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे मेरे घर के पास मंदिर है, राकेश के दफ्तर के सामने डाकघर है, डब्बे के अंदर पैसे हैं, गाड़ी दिल्ली की ओर जा रही थी, छत पर कौवा बैठा था। इन वाक्यों में पास, सामने, अंदर और पर यह संबंध सूचक अव्यय है। शब्दों का सातवां भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मुझे दिवाली के दिन लड्डू या जलेबी चाहिए, रमेश बड़ा विद्वान और दयालु व्यक्ति है, कुछ खाने को न मिला तो उसने पानी पी लिया, राज खेलने आएगा क्योंकि आज उसे छुट्टी है, शिक्षक ने कहा कि हम महाबलेश्वर जाएंगे। इन वाक्यों में या, और, तो, क्योंकि, की यह शब्द अव्यय है। यह अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। शब्दों का आठवां भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय किसी न किसी तीव्र मनोभाव को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो। जो अव्यय हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय मनोभाव की तीव्रता सूचित करते हैं, इसीलिए उन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण देखिए। आहा, कितना सुंदर है बगीचा। अरे,
तुम कब आ गए? हाय, अब मेरा क्या होगा? छी, तुम कितने गंदे हो! वाह, क्या सुंदर नजारा है! इन वाक्यों में आहा, अरे, हाय, छी, वाह, इन अव्ययों से किसी न किसी मनोभाव की तीव्रता व्यक्त होती है, इसीलिए वे विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब तक हमने शब्दों के 8 भेद देखे हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।